अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके सफर यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है वो कतरी एक एथलीट्स है जिनका नाम है मोहम्मद अल करनी। दोस्तों, कतरी जो एथलीट मोहम्मद अल करनी है, उन्होंने एक दोस्तों कतर का नाम रोशन किया। साथ ही उन्होंने स्पेनिश इब्जा ट्रैक फील्ड गेम जो स्पेन में हो रहा था उसके दौरान साथ ही उन्होंने 5000 मीटर का रेस में जीत के पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये रखा गया था मैच 19 मई 2023 को रखा गया था, जिसमें से बहुत सारे अलग अलग कंट्री के लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो कतर के जो एथलीट्स है मोहम्मद अल करनी, इन्होंने ये पहला स्थान प्राप्त करके कतर का नाम रोशन किया, जिसके बाद कतर के आमिर की तरफ से उन्हें खास तौर पर बधाइयां दी गई है। अगली अपडेट की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों, वो कतर एयरवेज की तरफ से आ रही। तो भाइयों, कतर एयरवेज की तरफ से बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट कर दिया गया है। पहले दोस्तों, कतर और बहरीन के बीच में डायरेक्ट फ्लाइटें कोई भी नहीं थी, पर कतर एयरवेज की तरफ से कल के दिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि बहरीन का और कतर का डायरेक्ट बुकिंग फ्लाइट आप कर सकते हो। तो जो भी भाई लोग आप लोग कतर और बहरीन के बीच में आना जाना करते थे, जिसको आप लोग काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी, डायरेक्ट फ्लाइट आप लोग को नहीं मिलती थी, पर आपको डायरेक्ट फ्लाइट दोस्तों मिल जाएगा। आप कतर एयरवेज का ऑफिशियल वेबसाइट में जब ओपन कीजिएगा तो बुक आपको कतर का और बहरीन का डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिल जाएगा। तो ये ऑफिशियली कतर एयरवेज की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया। अगली जो अपडेट दोस्तों हमारे साथियों, कतर के कस्टम विभाग की तरफ से आ रही। तो भाइयों, आप लोगों को तो पता ही होगा कतर में आए दिन कोई ना कोई मतलब स्मगलिंग करते पकड़ा ही जाता है, और स्मगलर जो लोग होते हैं वो अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं ताकि वो लोग देश में स्मगलिंग कर सके। तो साथियों, फिर से नया स्मगलर पकड़ा गया है जो कि एक तारबूज के अंदर दोस्तों जो फल होता है उसको खोखला करके उसमें तारबूज को फिर सटा के दोबारा काट के उसमें हैशिश भर के लाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद कतर में स्कैनर मशीन के द्वारा पकड़ा गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कतर में जितने भी तरीके हथकंडे आप अपना ले, वहां का जो स्कैनर होता है वो काफी ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी का होता है, जिसके बाद आप पकड़े ही जाओगे। तो जो भी भाई लोग आप लोग ऐसा करने की कोशिश करते हो, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप पकड़े ही जाओगे। तो दोस्तों, फिलहाल अभी उसे पकड़ लिया गया है और उस हैसिस को भी जब्त कर लिया गया। अगली जो खबर दोस्तों वाले साथियों वाली, कल्चरल डाइवर्सिटी इन कतर, यानी दोस्तों कतर में पॉपुलेशन जो है वो कौन से कंट्री के वर्कर का कितना पॉपुलेशन है और कतरी नागरिक का कितना पॉपुलेशन, इसका दोस्तों का आंकड़ा निकाला गया है। तो ये निकाला गया है दोस्तों कल्चरल डाइवर्सिटी इन कतर को लेकर। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, कतर में 15% ही मात्र कतरी नागरिक वहां पर मौजूद है, वहीं पर 16% नेपाली है, 11% फिलिपिनो है, 5% श्रीलंकन है, 5% बांग्लादेशी है, 6% पाकिस्तानी है और 13% अरबी है, यानी अरब के देश के, और 24% इंडियन है दोस्तों, यानी आप कतरी नागरिक से भी ज्यादा दोस्तों वहां पे इंडियन नागरिक वहां पे रहते हैं और काम करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।